नमस्कार मित्रों, आप सभी का सीपी की एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सरकारी भर्तियों को लेकर। ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं कराना नहीं आसान, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था और पेपर सुरक्षा है बड़ी चुनौती। इस वक्त की अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, देश में यूपीएससी सहित राज्यों के लोक सेवा आयोग में भर्तियों पर कोरोना लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया है। इन सब के बीच ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं कराने का मुद्दा उठा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों से इनका आयोजन मुश्किल है। दोस्तों, भविष्य में काफी लंबा वक्त है इंतजार करना पड़ सकता है भर्ती परीक्षाओं को लेकर। भविष्य में भी भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही कराना आसान नहीं होगा। देश में आईएएस एवं अधीनस्थ सेवा, भारतीय विदेश सेवा, सूक्त रक्षा सेवा और अन्य परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग कराता है। इसी तरह राजस्थान में लोक सेवा आयोग है, आरएएस है और अधीनस्थ सेवाएं वो भर्तियां करवाता है, जिसमें स्कूल व्याख्याता है, कॉलेज लेक्चर है, चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, कृषि और अन्य भर्तियां परीक्षाएं करवाता है। इन राज्यों के लोक सेवा में भी सरकारी भर्तियां कराना अब आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश में इतना फैल चुका है, क्योंकि इसको जड़ से खत्म करना अभी भी काफ़ी चुनौती भरा है। दोस्तों, टालनी पड़ी ये भर्ती परीक्षाएं, कोरोना लॉकडाउन के चलते अटकी पड़ी भर्ती, काफ़ी भर्ती परीक्षाओं को टालना पड़ा है, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भी काफ़ी भर्तियाँ हैं और उसके बाद यूपीएससी आईएएस है, आईपीएस एग्जाम है, काफ़ी भर्ती परीक्षाएं उनको टालना पड़ा है। अब यूं मिले हैं आयोग भर्ती परीक्षाओं को आवेदन, यूपीएससी की अखिल भारतीय अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षा में 10 से 25 लाख आवेदन उसमें आ गए हैं। उसके बाद आरपीएससी की आरएएस अधीनस्थ और अन्य परीक्षाओं में 6 से 12 लाख आवेदन है। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पे भी 15 से 25 लाख आवेदन है। उन सभी को एग्जाम करना बहुत ही आसान नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है, आप देख सकते हो। उसके बाद में दीप उपाध्याय क्या कह रहा है, भर्ती परीक्षाओं के पेपर निर्माण और सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, कंप्यूटर लैब और ऑनलाइन कनेक्टिविटी जैसी तैयारी भी आवश्यक होती है। उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं को लेकर आप देख सकते हो पूरी ऑफिशियल न्यूज। आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।